नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, नए साल पर आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 26,000 से भी अधिक पदों पर आपके लिए भर्ती निकली है, जिसमें लेखपाल के 4,000 पद हैं, कनिष्ठ लिपिक के 5,000 पद हैं, वहीं लोअर सब ऑर्डिनेट के 2,000 पद हैं, ईओ के 1,500 पद हैं, इंजीनियर के 2,000 पद हैं और ग्रेड टू ऑफिसर के लगभग 12,000 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकली हैं, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में इस घंटी का आइकन को आप जरूर दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से संबंधित लेटेस्ट जॉब लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट, जो आज के लखनऊ के पेपर में प्रकाशित हुई है। तो यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हैं आप, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखें आप, यूपी पुलिस को 1,00,000 सिपाही मिलेंगे। सिपाही बनने का इंतजार करने वाले 1,00,000 युवाओं के लिए नया साल खुशनुमा साबित होने वाला है। इन पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नए साल में प्रशिक्षण के बाद तैनाती की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी और शुरू होंगी 26,000 पदों पर भर्तियां। तो उत्तर प्रदेश के दोनों महत्वपूर्ण आयोग 26,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन नए साल में निकालने की तैयारियों में जुट गए हैं और जनवरी से विज्ञापन निकालने का सिलसिला शुरू होगा। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल के 4,000, कनिष्ठ लिपिक के 5,000 और लोअर सब ऑर्डिनेट के करीब 2,000 पदों पर विज्ञापन निकालकर भर्तियां शुरू करेगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी तैयारियां हैं, वह ईओ के 1,500, इंजीनियर के 2,000 और ग्रेड टू ऑफिसर के करीब 12,000 पदों पर भर्तियां शुरू करेगा। और 5 नए मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी पढ़ाई। स्कूलों को मिलेंगे 1,00,000 शिक्षक। तो सरकार प्राइमरी स्कूलों को नया सत्र शुरू होने से पहले 69,000 नए सहायक अध्यापक मिलेंगे। इसकी लिखित परीक्षा आपके 6 जनवरी को होनी है। इसके अलावा कुछ और नए शिक्षक प्राइमरी स्कूलों को मिल सकेंगे, क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती में 33,000 कॉपियां नए सिरे से जांची जा रही हैं। वहीं राजकीय इंटर कॉलेजों को भी 10,768 नए शिक्षक मिलने की उम्मीद है। इसकी लिखित परीक्षा आपके 29 जुलाई 2018 को हो चुकी है। इसके रिजल्ट के बाद तैनाती दी जानी है। वहीं सहायता प्राप्त स्कूलों में भी 25,000 से अधिक पद खाली हैं। साथ ही दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।